हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सेंट जोसेफ्स ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज सोनू राठौर एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. चैप्टर फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, द कोल्ड वॉर इरा. लेट मी करेक्ट यू विद द प्रीवियस पार्ट. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड, मैंने बताया था आपको, देयर वर ओनली टू सुपर पावर्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, USA एंड USSR. ठीक है. सो कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो ना तो USA के साथ थे ना USSR के साथ थे. उन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेम, दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड. मैंने बताया था आपको नेम के जो मेम्बर्स थे उनके अंदर इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया, ये हमने देखा था. ठीक है, नाउ आगे चलते हैं. ठीक है, अब हम ये सब कुछ मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया चैप्टर का, अभी तक क्या हुआ, क्या सिचुएशंस थी, कोल्ड वॉर कैसे हुआ, किन किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, है ना, सारा बैकग्राउंड में चैप्टर का मैंने आपको बता दिया, ताकि स्टोरी में आपको इंटरेस्ट आए, चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आए, समझ में आए. ठीक है, अब मैं पूरी जो चैप्टर है उसको हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आगे स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करूँगा. सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सर व्हाट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्या होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ठीक है, मिसाइल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, मिसाइल सब लोग जानते हैं आप लोग. ठीक है, वेपन होता है, और क्राइसिस, क्राइसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाना, विपदा आ जाना, वो होता है क्राइसिस. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था. ठीक है, चलिए बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद में हुआ क्या था. USA एंड USSR, ओनली दीज टू सुपर पावर्स वर देयर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ठीक है, तो इनके बीच में टेंशन्स थी, इनके बीच में प्रॉब्लम थी. बताया था मैंने, समझाया था आपको, ये आपस में लड़ते रहते थे, डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, ये आपस में इनडायरेक्टली लड़ते थे. इनके बीच में स्पेस बैटल था, टेक्नोलॉजी बैटल था, मिलिट्री बैटल था, है ना. दे बोथ वॉन्ट टू बी द बेस्ट, दे बोथ वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड दैट आई एम द किंग, आई एम द सुपर पावर. इस तरह से इनके बीच में बैटल चलता रहता था. तो सिर्फ मिलिट्री को लेकर, सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर, सिर्फ स्पेस को लेकर ही बैटल नहीं था इनके बीच में, इनके बीच में बैटल था आइडियोलॉजी को लेकर. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वर देयर, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे इनके बीच में. ये दोनों जो कंट्रीज थे इनके बीच में एक दरार थी. दरार किस चीज़ की थी, सोच की दरार थी, आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. आइडियोलॉजी क्या होती है, सोच. ठीक है, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, आपकी सोच अलग होती है, मेरी सोच अलग होती है, इसी तरह से किसी एक कंट्री की सोच क्या हो सकती है, किसी दूसरे कंट्री की सोच क्या हो सकती है. ठीक है, तो USA की सोच अलग थी, USSR की सोच अलग थी. तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, व्हाट वर द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कि USA बिलीव्स इन कैपिटलिज्म और USSR बिलीव्स इन कम्युनिज्म. USA तो बिलीव करता था कैपिटलिज्म के अंदर और USSR बिलीव करता था कम्युनिज्म के अंदर. ठीक है, तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में टेंशन्स थी, दोनों के बीच में बैटल चला करता था कि नहीं, हमारी सोच अच्छी है, हम बेस्ट हैं, हमारी सोच अच्छी है, कम्युनिज्म बेस्ट है, और USA कहता था कि कैपिटलिज्म बेस्ट है. तो इस तरह से इनके बीच में टेंशन्स चला करते थे. तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की इनके बीच में लड़ाई थी, दरार थी. अब सर कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है. कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को समझने के लिए बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट कि कैपिटलिज्म क्या होता है और
कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म देर इज ए वर्ड इन हिंदी पूंजीवाद कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी होती है, लिबरल डेमोक्रेसी है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम होती है कैपिटलिज्म के अंदर, इंडिविजुअल फ्रीडम इन द सेंस यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, वी आल्सो बिलीव्स और फॉलो इन कैपिटलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम मीन्स एनीवन कैन डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ पर्सनली और इंडिविजुअली, हर कोई अपनी अपना बिजनेस यहाँ पर सेटअप कर सकता है, हर कोई अपनी शॉप खोल सकता है, हर कोई अपनी इंडस्ट्री डाल सकता है, यानी कि पर्सनल ग्रोथ कर सकता है, इंडिविजुअल फ्रीडम होती है यहाँ पर लोगों को कैपिटलिज्म के अंदर। द नेक्स्ट वन इज फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी होती है कैपिटलिज्म के अंदर। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की जाती है, सब किसी को भी स्पेशल अटेंशन नहीं दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, जब भी आपने देखा होगा, जब भी कोई ऐसी प्लानिंग आती है गवर्नमेंट की, कोई ऐसी स्कीम आती है या कुछ भी बात होती है, तो वो सबके लिए होती है, सारे इंडियंस के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होती है या पर्टिकुलर किसी किन्हीं लोगों के लिए होती है ना। तो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी आती है तो क्या हम सभी सारे लोग अप्लाई कर पाते हैं, इफ़ दे आर हैविंग देयर दैट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, तो ये अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैपिटलिज्म के। समझ आया आपको, कैपिटलिज्म मतलब लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्री इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी कि सब लोग अपनी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं कैपिटलिज्म के अंदर, है ना। एंड ऑन द अदर हैंड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म होता है, देर इज ए वर्ड इन हिंदी समाजवाद कम्युनिज्म, है ना। तो कम्युनिज्म के अंदर स्टेट कंट्रोल डोमिनेट्स, स्टेट का कंट्रोल डोमिनेट करता है, स्टेट का कंट्रोल डोमिनेट करता है, कैसे, सपोज वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर, इफ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट होता है, एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट होता है वो स्टेट के पास जाता है, वो स्टेट के कंट्रोल में होता है, सारा रेवेन्यू सारा पैसा स्टेट को जाता है और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है वो लोगों में डिवाइड हो जाता है, वो लोगों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि स्टेट का कंट्रोल डोमिनेट करता है कम्युनिज्म के अंदर। आई होप समझ में आया आपको कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ये थे इनके बीच में, है ना, तो इस वजह से ये लोग लड़ते रहते थे, एक दूसरे को चुमटियाँ काटते रहते थे, है ना। नेक्स्ट, तो अभी हम बात कर रहे हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, ये मैंने आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बताए इनके। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में देर वॉज एक बहुत छोटा सा कंट्री है क्यूबा, क्यूबा एक बहुत छोटा सा कंट्री है ना, तो क्यूबा की जो लोकेशन है वो क्यूबा की लोकेशन है यूएसए के जस्ट नीचे, यूएसए के जस्ट नीचे क्यूबा आता है ना। तो अब क्यूबा जो था वो क्यूबा क्या था, क्यूबा एक कम्युनिस्ट नेशन था, क्यूबा की आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म, क्यूबा एक कम्युनिस्ट नेशन था, ठीक है। तो अब ये यूएसए के जस्ट पास था, जस्ट नीचे था, तो अब हुआ क्या कि यूएसएसआर को लगा कि जो यूएसए है वो क्यूबा के ऊपर अटैक कर सकता है ना, क्योंकि यूएसए क्यूबा से जेलसी रखता था, यूएसए क्यूबा से जेलसी रखता था, तो यूएसए कहता था कि अच्छा तू मेरे पास है और तू जो है कम्युनिज्म को फॉलो करता है, तो कम्युनिज्म को फॉलो करता है
क्यों नहीं, तू मेरे इतना पास होकर कम्युनिज्म को फॉलो करता है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। तो यूएसएसआर को लगा दैट यूएसए में अटैक ऑन क्यूबा, कि वो क्यूबा पर अटैक कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट्स वाई इस ये जो सोच थी यूएसएसआर की कि क्यूबा मे बी अटैक्ड बाय यूएसए, यूएसए अटैक कर सकता है क्यूबा के ऊपर। तो यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने चोरी छुपे क्यूबा के यहाँ पर अपनी मिसाइल्स को यहाँ पर सेटल कर दिया, मिसाइल्स लगा दी क्यूबा के यहाँ पर। यानी कि क्यूबा को यूएसएसआर मिलिट्री बेस बना लिया। अब मिलिट्री बेस बनाने से हुआ क्या, यूएसएसआर की लोकेशन तो बहुत दूर थे, यूएसएसआर की लोकेशन बहुत दूर है, है ना। अगर यूएसएसआर अटैक करता है यूएसए के ऊपर तो इसको बहुत प्रॉब्लम आती है वहाँ से, इसलिए इसने क्या किया, यूएसए के जस्ट नीचे अपने मिसाइल्स को यहाँ पर सेटल कर दिया, यहाँ पर लगा दिया, है ना। तो अब हुआ क्या कि मिसाइल सेटअप करने के बाद, मिलिट्री बेस बनाने के बाद, यूएसए को बहुत दिनों बाद 21 डेज यूएसए केम टू नो कि भाई मेरे नीचे तो यूएसएसआर ने मिसाइल्स लगा दिए यहाँ पर, है ना। तो हुआ क्या, आफ्टर 21 डेज के बाद में जब जोहन एफ कैनेडी, दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जोहन एफ कैनेडी गॉट टेस्ड, है ना। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, जोहन एफ कैनेडी वॉज द प्रेसिडेंट दैट टाइम। तो जोहन एफ कैनेडी गॉट टेस्ड कि भाई अब क्या होगा, है ना, हमारे नीचे तो यहाँ पर मिसाइल्स लगा दी गई है। तो वो बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि 21 डेज के बाद में यूएसए को पता लगा था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो वो बहुत डर गया था, यूएसए बहुत डर गया था। और उसके बाद में वो बहुत घबरा गया। तो फिर अचानक से क्या हुआ, अचानक से फिर यूएसए ने जोहन एफ कैनेडी ने ऑर्डर दिया अपनी आर्मीज को कि भाई ये यहाँ ये जो बीच में जो वॉरशिप्स आ रहे हैं, है ना, मिलिट्री बेस तो बन चुका था, मिलिट्री बेस क्यूबा के अंदर बना चुके थे, बट स्टिल द शिप्स वर कमिंग, जो शिप्स थे वो आ रहे थे, जो शिप्स थे वो इधर की ओर आ रहे थे, यूएसए के यहाँ क्यूबा के यहाँ पर शिप्स आ रहे थे। तो जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर दिया कि इन शिप्स को आगे मत आने दो, इंटरसेप्ट करो यहीं पर इनको, है ना। तो इस तरह से हुआ, फाइनली सबको लग रहा था कि अब वर्ल्ड वॉर थ्री होगा, है ना, बहुत टेंशन क्रिएट हो गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबको लग रहा था कि अब तो फाइनली वर्ल्ड वॉर थ्री होने वाला है, सब लोग बहुत डर गए थे, सब लोग बहुत घबरा गए थे, है ना। दे बोथ वर हैविंग लार्ज एंड हैवी डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्यों डर रहे थे वो, बिकॉज दे बोथ वर हैविंग लार्ज एंड डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दोनों के पास बहुत खतरनाक जो है हथियार थे, है ना। अगर हम बात करें तो दोनों के पास कितने बॉम्ब्स थे, दोनों के पास थाउजेंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, थाउजेंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे यूएसए और यूएसएसआर के पास में, है ना, 1,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स से लेकर बैठे थे। तो ये बात इनके क्लियर थी कि अगर किसी एक ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा तो सामने वाला सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स छोड़ देगा, है ना। तो इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स छोड़ने के बाद में कितना मास डिस्ट्रक्शन होगा, वी कैन नॉट इमेजिन। तो सारा वर्ल्ड घबरा गया था, डर गया था कि अब तो फाइनली थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, है ना।
बट फाइनली चीज़ें सेटल हो गई किसी तरह से, कॉन्फ्लिक्ट्स सॉर्ट आउट हो गए और चीज़ें सेटल्ड हो गई, मैटर सेटल हो गया और थर्ड जो वर्ल्ड वॉर था वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, समझ आया होगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं, तो क्या सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही हुआ था कोल्ड वॉर इराक के टाइम पे, या सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही एक था? नहीं, ऐसी बहुत सारे वॉर हुए थे, बहुत सारे युद्ध हुए थे, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अलावा बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए थे, है ना। तो सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारा, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर मीन्स होता है कि युद्ध भूमि, जहाँ पर युद्ध लड़े जाते हैं, है ना, एरिया युद्ध भूमि, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, है ना, तो युद्ध भूमि। तो एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर कौन कौन से थे, वॉर किस चीज़ को लेकर थे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर, है ना। तो मेजर एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर कौन कौन से थे, इनके एरिनाज थे, क्षेत्र थे, युद्ध क्षेत्र कौन से थे, बात करते हैं कोरिया, ठीक है, 1950 से लेकर 53 तक ये वॉर चला, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, बर्लिन 1958 to 62, ये एरिनाज थे। अच्छा, लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हुआ क्या कि ये जो वॉर इनके बीच में हुए, ये कभी भी आपस में इनकी अपनी खुद की लैंड पर नहीं हुए, ये जब भी लड़ते थे दूसरे की ज़मीन पर जाकर लड़ते थे, दूसरे कंट्री के यहाँ पर जाकर लड़ते थे, है ना, तो नुकसान ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ का होता था। तो देखिए, बर्लिन वॉर हुआ 1958 to 62, है ना, अफगानिस्तान वॉर हुआ, वियतनाम वॉर हुआ, इनमें कई लाखों लाखों लोग मरे हैं, कॉन्गो वॉर हुआ, कॉन्गो की हम बात कर रहे हैं अर्ली 1960s का जो कॉन्गो है ना, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डिफरेंट है, वो अलग है, है? तो ये सारे वॉर भी हुए थे, है? अब इतने सारे, ऐसा क्या था इनके बीच में जो ये बार बार लड़े जा रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी इनके बीच में जो ये इतनी बार लड़ लिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया, कोरियन वॉर हो गया, बर्लिन वॉर हो गया, ये बार बार क्यों लड़े जा रहे थे? इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपस में ये समझ नहीं पाते थे, है ना, तो ये इनके बीच में बैटल चला करता था, टू बी द बेस्ट, आई एम द किंग, मैं ही डोन हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही बना रह सकता हूँ बस, तो इस बात की लड़ाई इनके अंदर थी, है ना। तो इन सारी सिचुएशंस के बाद में ये सारा सब कुछ हो गया, है ना, तो ये डायरेक्टली सारा सब कुछ होने के बाद में भी जो कोल्ड वॉर था, वाई द कोल्ड वॉर रिमेन्स ऑलवेज कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर हमेशा कोल्ड वॉर ही क्यों बना रहा, ये हम बात करेंगे। एक सिंपल वर्ड में हम समझेंगे, वाई द कोल्ड वॉर रिमेन्स ऑलवेज कोल्ड वॉर, ड्यू टू डिटेरेंस, ये एक वर्ड है, इस वर्ड को अच्छे से देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड के नंबर होते हैं, आपके मार्क्स मिलते हैं इस वर्ड के, डिटेरेंस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर और अफ्रेड, है ना, एक डर, एक रुकावट, तो डिटेरेंस की वजह से कोल्ड वॉर ही रहा, वॉर में कभी कन्वर्ट नहीं हुआ डिटेरेंस की वजह से। दिस वॉज ऑल, फिर अब डिटेरेंस वर्ड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, दिस इज एनफ फॉर टुडे, आई थिंक समझ आया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज देन लेट मी नो इन माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ड्रॉप ए मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर बिटवीन 4 to 5, आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल, सॉर्ट आउट ऑल द क्वेरीज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।